वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज में कितने फंदे आएंगे वो सारा दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा हाफ स्वेटर, जिसे लेडीज गर्ल्स कोई भी इसको कैरी कर सकता है। तो देखिए, एक तो बहुत सिंपल है, सिंपल सी इसमें मैंने पैटर्न दे रखे हैं, जो कि जो बिगनर हैं वो भी आसानी से इसे बना सकते हैं। और इसका फुल मेजरमेंट मैं बता दूंगी, और स्मॉल साइज के लिए, मीडियम साइज के लिए और लार्ज साइज के लिए मैं फंदे इसके बता दूंगी आपको। और बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, और आपको लग रहा होगा ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, इसमें पैटर्न इस तरह से दिया गया है कि स्ट्रेचेबल है, ये स्मॉल और मीडियम दोनों को आ जाता है। और मीडियम के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो मीडियम में जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा जो ये बटन पट्टी है ये थोड़ी इस तरह से खिंच जाती है, तो आप मीडियम के लिए मैं आपको थोड़े से फंदे इसमें ज्यादा बता दूंगी। एक्चुअली मैं इसमें कितने फंदे हैं मैं आपको ये बता दूंगी किस तरह से ये बनाया गया है। और ये देखिए, इसका बॉर्डर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं पहले इसके फंदों की। फंदे इसमें टोटली एक पार्ट, फ्रंट पार्ट, एक साइड का जो मैं पार्ट में बताऊं आपको, इसमें टोटल फंदे आपके 50 फंदे ये दिए गए हैं, और ऊपर आपके 55, ठीक है। स्मॉल साइज के लिए मैं पहले बता दूं 50 और 55, ठीक है। और बैक साइड के लिए 80 फंदे नीचे हैं, 85 फंदे नीचे कर लीजिए, और 90 फंदे जो हैं ऊपर हैं, ठीक है। स्मॉल साइज के लिए मैं ये बात बता रही हूँ आपको। और स्मॉल, लार्ज और मीडियम सबके लिए गले के जो फंदे वो सेम आएंगे, और जो आर्म होल के जो फंदे हैं वो भी सेम आएंगे, ठीक है। तो स्मॉल के लिए तो मैंने बता दिया आपको 50, 55, 85, 90, ठीक है। 85 बॉर्डर में डाल रखे हैं, 90 ऊपर से दे रखे हैं। ये जो बैक पार्ट है इसमें 90 फंदे दे रखे हैं, ये स्मॉल साइज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम के लिए। मीडियम के लिए हम जो फ्रंट पार्ट है, बॉर्डर है, इसमें हम 55 कर देंगे मीडियम के लिए, ठीक है। 55 जैसे हमारा पहले 50 था, तो इसको 55 कर देंगे, और ऊपर हम 60 कर देंगे, 55 और 60, ठीक है। और बैक साइड में हम 90 नीचे रखेंगे, और 95 से 100 हम ऊपर कर देंगे। आप 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। 95 से 100, 96, 97, 99 जितने भी आपको रखने हैं वो आप इसमें रख लीजिए, मीडियम साइज जिसको आता है वो, ठीक है। अब आई बारी लार्ज साइज वालों की, तो यहाँ पे 60 आप दे दीजिए, 60 और 60, ठीक है। 65 ऊपर बॉर्डर में 60, ऊपर 65, और यहाँ पे हम 100 नीचे दे देंगे, टोटल ऊपर नीचे, और 110 ऊपर दे देंगे। आपको समझ में आ गया होगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज क्या करेंगे। और जैसे एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल वालों को क्या आएगा, तो आप ये कीजिए 5-5 फंदे बढ़ा दीजिए। 5-5 फंदों का ही बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें भी 5 इसमें भी 5 करें, 10 फंदे ये बढ़ जाएंगे, 5 ये बढ़ जाएंगे, 15 फंदों में हमारा एक साइज थोड़ा सा बढ़ और घट जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं गले की। गले में आप एक साइड यहां से यहां तक देखेंगे तो इसमें 60 फंदे हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज बॉर्डर से लेकर के यहां शोल्डर तक, इधर तक 60 फंदे हमने ले रखे, ठीक है। 60 और 60, 120 हो गए, ठीक है। और बैक साइड में जब हम फंदे उठाएंगे तो हम 110 उठाएंगे। टोटल हमको 230 फंदे इसमें उठाने हैं, इस गले में 230।
जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊन काफी पतला है, इसमें मोटा नहीं है। अगर आपके पास मोटी ऊन हो तो इसमें 10-15 फंदे का कम ज्यादा कर सकते हैं, और इस तरह की अगर आपके पास ऊन हो तो ये फंदे एकदम बराबर हैं। और वैसे इस तरह की जो हम अंदर से पहनते हैं स्वेटर, ये मुलायम और पतले ऊन से ही बनाना चाहिए। तो टोटल फंदे इसमें मैंने बता दिए, पीछे बैक साइड में जो आएंगे ये 110 आएंगे, और आगे 60 और 60, टोटल हो जाएंगे 230, ठीक है। और आर्म होल में जो हमने उठा रखे हैं ये 80, यहां से लेके यहाँ शोल्डर तक 80 हैं, यहां से लेकर यहाँ 80 है, तो 160 ये हो गए, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक स्वेटर है, और ये देखिए बटन पट्टी इसमें सिंपल, जैसे ही नीचे बॉर्डर बना रखा है उसी तरह से बटन का पट्टी का जो बॉर्डर है वो भी सिंपल बना रखा है इस तरह से। और कंधे की बात करें तो कंधे में देख 18 फंदे लगभग ऊपर छोड़ रखे हैं यहाँ पे, और ये बाद में उठते हैं, 18 फंदे ये छोड़ रखे हैं और 18 फंदे ये कंधे में छोड़ रखे। और गले की कटिंग आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको गले की कटिंग के काफी वीडियो मिल जाएंगे। तो गले की कटिंग के लिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे हम लगभग 12 फंदे एक साथ घटा लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ, अब मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बता देती हूँ, पहले मैं गले की मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखिए आर्म होल की कटिंग यहाँ पे है, जब आर्म होल की कटिंग करते हुए हम 3.5 इंच ले आएंगे, आर्म होल की कटिंग करने के बाद 3.5 इंच हम बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे पीछे के गले की कटिंग करेंगे, और 3 इंच अगर हम बना लेते हैं आर्म होल की कटिंग के बाद तो हम यहाँ पे गले की जो कटिंग है वो शुरू करेंगे। आप पहले जैसे माना हमारे पास 100 फंदे हैं, 100 फंदों में हम क्या करेंगे, 45 यहाँ ले लेंगे, 45 यहाँ ले लेंगे, तो बीच में बचे कितने 10, ठीक है। वो जो 10 फंदे हैं, 10 फंदे जो हैं, उनको हम इकट्ठे यहाँ पे बंद कर लेंगे, 45 अगल बगल रखेंगे, और बीच में जो 10 फंदे हैं उनको 10 फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे। उसके बाद एक साइड का बनाते हुए आएंगे, वही हम करेंगे जो हम गोल गले में घटाते हैं, 3 3 2 2 फिर 1 1, ये भी कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं 3 3 3 2 2 2, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ एक जैसा कीजिए, या तो आप 3 3 3 करके 3 बार घटाइए, या तो 3 3 करके 2 बार घटाइए, ठीक है, उसी तरह से आपका गला बनेगा, बहुत ही सिंपल होता है। और सेम तरीका इधर से भी है, ठीक है। पहले तो हम फंदे ये पिन में ले लेंगे अलग से, यहाँ पे जो बटन पट्टी के पिन फंदे हैं, फिर जिस तरह से हम पीछे का घटाएंगे 3 3 3 2 2 2, फिर हमको जितने रखने हैं कंधे में उतने रखते हुए एक एक करके यहाँ तक घटाते हुए आएंगे। और जैसे कि मैं बराबर कह रही थी, लेकिन बराबर नहीं है, ये लगभग वो 3.5 इंच में घटा हुआ है, तो ये 3 इंच में घटा हुआ, ये जल्दी घटा हुआ है, 0.5 इंच का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो 3.5 आर्म होल के बाद 3.5 इंच का होने के बाद गले की कटिंग की है, और आगे हमने 3 इंच के होने के बाद ही कटिंग कर ली। तो आर्म होल से ऊपर को मैं बता देती हूँ कितनी इसकी लंबाई आएगी, ये देखिए जहां से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं वहां से लगभग 8 इंच की लंबाई आई है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा आपको। और इसकी लंबाई मैं बता दूं, आप चाहें तो इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये 18 इंच के आसपास है, ठीक है, 18 इंच के आसपास है। और आर्म होल की कटिंग इसमें 11 इंच पे की है, 10.5-11 इंच पे, तो 0.5 इंच 1 इंच ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं उसमें। तो इस तरह का ये स्वेटर बनाया है, और आप पैटर्न इसमें देख रहे होंगे, ये देखिए 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे हैं, सेम कर रखा है, बैक साइड में भी वही कर रखा है हमने, 2 फंदे जो यहाँ से सीधे होंगे वही यहाँ से उल्टे आ जाएंगे, और जो यहाँ से सीधे होंगे वो बैक साइड से उल्टे आ जाएंगे, ये आपको पता ही होगा। तो देखिये बहुत ही सिंपल स्वेटर है, और इसमें लगभग 250 ग्राम के बराबर ऊन लगी है, ओसवाल की ऊन लगी है ये। अभी मेरे पास इसकी ऊन तो है नहीं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ ओसवाल की ऊन कैसी होती है, ये देखिए ये वाली है ओसवाल की ऊन, सेम ऊन इसमें भी ली गई है,
तो ये 250 ग्राम के आसपास इसमें ऊन लगी हुई है और ये स्मॉल साइज वालों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। इसको मीडियम साइज वाले भी लेस पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सच बताऊं आपको तो थोड़ा सा ये इस तरह से इसकी बटन पट्टी खिंच जाती है। तो आप फंदे थोड़े से अच्छे से दो बार तीन बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको शुरू कीजिए इस प्रोजेक्ट को। तो सिंपल से फंदे दे रखे हैं, सिंपल से फंदे देने के बाद बॉर्डर भी बता देती हूँ मैं आपको। बॉर्डर लगभग 2.5 इंच का बॉर्डर दिया है, ठीक है। 2.5 इंच के बॉर्डर के बाद हमने 8 इंच बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल को हम बनाएंगे 3 इंच लगभग। ये देखिए, यहाँ से 3 इंच अगर हम लेते हैं तो ये कटिंग आ जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। 3 इंच के बाद गले की कटिंग आ जाएगी। तो आप लोगों को कैसा लगा स्वेटर जरूर बताइएगा, और ये कोई भी इसको कैरी कर सकता है। गर्ल्स भी कर सकते हैं जीन्स के ऊपर, और लेडीज भी कर सकती हैं साड़ी के ऊपर। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। बिगनर के लिए तो इस तरह की स्वेटर अगर बनाइए आप तो बहुत सुंदर लगेंगी। कलरफुल 2-4 स्वेटर इस तरह की बनाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।